ये अमेरिका और यूरोप की दुनिया में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज यही है। ये शुबहात और शहवात की दुनिया है, ये अमेरिका यूरोप की दुनिया, ये मगरबी मुल्कों की दुनिया शुबहात और शहवात की दुनिया है। यहाँ शुबहात पैदा किए जाते हैं, कन्फ्यूजन पैदा किए जाते हैं, इस्लाम में, कुरान में, हदीस में, सुन्नत में डाउट्स पैदा किए जाते हैं, है? तो उसके नतीजे में नई नस्ल परेशान हो जाती है, अरे हमारे कुरान में ये, अरे हमारे नबी ने ये क्यों कहा, इसका क्या लॉजिक है। तो ये शुबहात की दुनिया है, तो शुबहात पैदा करके हमारे ईमान को कमज़ोर करते हैं। नतीजा ये कि हमारी नई नस्लें, हमारे टीनेज उसके उसका इफेक्ट लेते, असर लेते हैं। लिहाजा उनको कुरान ने कह दिया तवासी बिल हक, बस तुम ये अगर कुरान में है कहो कि हमारे अल्लाह ने कह दिया कुरान में, वी बिलीव इन अल्लाह, वी बिलीव इन होली बुक, दैट्स इट। अब उसका फलसफा क्या है, उसका लॉजिक क्या है, हमें उसमें नहीं जाना, बस अल्लाह ने कह दिया दैट्स इट, अल्लाह के रसूल ने कह दिया दैट्स इट, सुन्नत है दैट्स इट, उसका क्या लॉजिक है, क्या फलसफा है, हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अल्लाह अल्लाह के रसूल का फरमान है हमारी सराखों पर, अपने ईमान को मजबूत रखो। अगर आप उसके फलसफे में, उसके लॉजिक में डीप जाने की कोशिश करते हो तो नतीजा यह है कि आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है, इनफ नॉलेज नहीं है, आप कमज़ोर हो जाते हैं। ये वजह है, ये वजह है कि जहाँ पर यूथ इकट्ठे होते हैं, वो चर्चों में, मस्जिदों में यूथ इकट्ठे होकर आप डिस्कशन करते हैं, नतीजा क्या होता है, मुसलमान नौजवानों के पास नॉलेज नहीं है, अपने स्कॉलर से नॉलेज हासिल नहीं करते। इंटरफेथ, जगह जगह इंटरफेथ होता है, इंटरफेथ में जूश स्टूडेंट वो प्रिपेयर होकर आते हैं, क्रिश्चियन प्रिपेयर होकर आते हैं, हमारा मुसलमान स्टूडेंट बस इंटरनेट पे बैठ के थोड़ा सा सर्च करता है, किसी स्कॉलर के पास बैठ के इलम हासिल नहीं करता, किसी माहिर आलिम के पास बैठ के इलम हासिल नहीं करता, कुरान को डीपली सीखता नहीं है। नतीजा इंटरफेथ में जाकर वो लब 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 करता, उसको जवाब नहीं आता। तो शुबहात के नतीजे में वो आकर क्या करता है, वो मरी साहब कुरान में ये है, ये कुरान में ऐसा क्यों है, उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है। तो ये शुबहात की दुनिया है, इसमें अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग रखना है। बस अल्लाह ने कह दिया देसी, हमें इससे ज़्यादा कोई सुनना नहीं। दूसरी चीज़ शहवात, ये शहवात की दुनिया है, जगह जगह शहवतें हैं, जगह जगह आंखों की शहवतें हैं, कानों की शहवतें हैं, जबान की शहवतें हैं, ऐसे डिज़ायर्स की दुनिया है कि इंसान उसके अंदर इन्वॉल्व होकर अपनी नमाज छोड़ देता है, रोज़ा छोड़ देता है, ज़कातें भूल जाता है, वो इसी मन मस्ती में हर चीज़ को फन। स्टूडेंट भी कहता है कि वी डोंट हैव फन इन दिस स्कूल, इन दिस मदरसा, इन दिस मॉस्क, है हमें किसी और जगह जाना है। फन फन, ये एक ऐसी चीज़ फैल गई है बच्चों में कि बस हर चीज़ में फ़न ढूंढते हैं, नमाज में भी फ़न होना चाहिए, रोज़े में भी फन होना चाहिए। नतीजा क्या हुआ, ये शहवात है कि जिसने हमारे अमल को कमज़ोर कर दिया और नई नस्ल के लिए दीन कमज़ोर होता चला जाता है। इसलिए ये दो चीज़ें, ये शहवात और शुबहात की दुनिया है, यहाँ पर ईमान और अमले साले को जब स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो फिर नस्लों की नस्लें महफूज हो जाएंगी और अल्लाह अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक। Sheikh mentioned a very important point for all of us to think about. He mentioned that the country in which we live is full of these two things which are destructive to our iman and amal. That is, it is full of confusions and full of desires and lustful plots of the shaitan. Now, in this country, we hear such treacherous, such wicked confusions and doubts about our deen, about our Islam, that a person's iman starts to shake and he starts to, you know, think about his fundamental beliefs, because so many questions and confusions and doubts are put in front of him day and night. Especially our youth, you know, they face a challenge when they go and when they go with their friends in, you know, in gatherings like interfaith gatherings or, you know, in community gatherings where the students and the people of the other religion, Jews and the Christians, they are very well prepared and they're thoroughly knowledgeable about their religion. They come prepared, and our youth, what he does, he just goes on the internet and tries to, you know, go on the Google and research, learn about Islam, and he doesn't approaches a scholar, he doesn't approaches to a well learned person to seek knowledge, and he is ill prepared. And when he goes to such meetings and gatherings in his school, university, colleges and churches, he is faced with confusions and comments by the non-Muslims, and his iman starts to shake. And he comes back to the scholar in the masjid and asks him, you know, O Sheikh, O scholar, you know, such and such thing is there in the Quran. Allah says this, Rasul says this, you know, what is this? I'm very confused about Islam.
So this is happening because we lack knowledge, and because of our lack of knowledge, when the confusions and the doubts come in front of us, our iman gets shaken. So the cure for this is tawasibul haq, that you go and seek the knowledge and also have this attitude, this positive attitude, that whatever Allah and Rasul has said is haq. It doesn't matter, it doesn't come into my intellect, it doesn't matter if I'm able to make logic of it, if I understand it or not. The positive attitude is that we should think that whatever Allah subhanahu wa ta'ala has said, whatever Rasulullah has said, whatever there is in the Quran, the Sunnah is haq. No, don't matter if it comes into my intellect or not. Don't matter if I can understand it or not. So this is the positive attitude we should have, and at the same time we should seek the knowledge. And also we are faced with the challenges of desires. When we go out into our schools and marketplaces and our jobs and businesses, we are faced with desires of the eyes, with the lustful gaze, and the desires of the ear, of the music, and everything around us is provocative to us, and it is challenging our nafs, and we have to bear patience when we face such challenges, and we have to, if we control our desires, Allah subhanahu wa ta'ala says we will be successful in this dunya and the hereafter. Last week मैं अपने घर के सामने खड़ा था, दो चंद दोस्त मेरे साथ खड़े थे, एक साहब मेरे पास आए, ब्लैक पर्सन था, कहने लगा कि आर यू मुस्लिम? हमने कहा यस। कहने लगा कि आर यू सिख मुस्लिम? नो नो सिख मुस्लिम, वी आर मुस्लिम। कहता ओके, यू आर शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम? हमने कहा सुन्नी मुस्लिम। ओके ओके, वो अंदर मेरे पास आ गया, इट इज शेक हैंड और यू फाइन। तो वो क्रिश्चियन था, कहने लगा कि वी एंड यू बोथ ब्रदर, हम सब भाई भाई हैं, सब एक हैं, वी बिलीव इन जीसस, यू बिलीव इन जीसस, बट जीसस इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। यस एग्जैक्टली, इज प्रॉफिट ऑफ गॉड, यस वेरी गुड। बातें करता रहा थोड़ी देर, उसके बाद जब गया जाने लगा, गेट से बाहर निकला तो जाते जाते रुका, पीछे मुड़ के हमें कहता यू बिलीव इन जीसस और यू गाइस बिलीव इन जीसस? मैं कहा यस बिलीव इन जीसस, जीसस प्रॉफिट ऑफ गॉड। मैं कहा यस जीसस प्रॉफिट ऑफ गॉड। फिर आगे साथ ही कहता ही इज सन ऑफ गॉड। तो ये कह के वो चला, तो जब चला तो मैंने पीछे से कहा नो नो सन ऑफ गॉड, ही इज प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो वो उससे एम्फोसाइज किया, कहा नो ही इज सन ऑफ गॉड। तो मैंने भी लाउडली कहा नो सन ऑफ गॉड, ओनली प्रॉफिट ऑफ गॉड। अच्छा, तो अब वो फिर कह रहे तीसरी बार, फिर उसने इसी बात को दोहराया कि ही सन ऑफ गॉड। तो मैंने दिल में सोचा कि इसको कोई ऐसी बात कहनी चाहिए कि इसको इसका जवाब ना है। तो फौरन अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, तो मैंने कहा ओके ओके ही सन ऑफ गॉड। कहते यस एग्जैक्टली सन ऑफ गॉड। मैं कहा हु इज द ग्रैंडफादर, मैं कहा हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ जीसस? उसने समझा कि मैं फादर, कहता गॉड इज द फादर ऑफ जीसस। मैं कहा नो नो, हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ जीसस? तो चुप हो गया, खामोश सोचता है। कहता नो नो, गॉड गॉड इज यूनिक, गॉड इज यूनिक, गॉड डजंट हैव अ फादर। मैं कहा ओके, वी बिलीव गॉड इज यूनिक, गॉड डजंट हैव अ सन आल्सो। चुप हो गया, भागा आवाज रन अवे। उससे पहले एक बार तो मैं पार्क में खड़ा था, तो मैं मेरे दोस्त जावेद मोती वाला हम असर की नमाज पढ़ने लगे, तो एक बूढ़ी लेडी जो एक क्रिश्चियन लेडी आई, कहा सलाम। ओके सलाम, आर यू मुस्लिम? यस वी आर मुस्लिम। ओके ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके गो अहेड, व्हाई यू डोंट ईट पोर्क? ये सवाल करती है। अब मैंने सोचा कि इफ आई से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरबिड इट, तो ये अदर सवाल करेगी, फिर सवाल करेगी। तो मैंने सोचा कि ऐसा जवाब हो कि जो चुप हो जाए। तो मेरे दिल में